ये आपका रखे रखे स्क्रैच हो जाता है या आप ठीक से हैंडल नहीं करते हैं तो साल के बाद आपका मनपसंद सीडी करप्ट हो जाता है, उसमें स्क्रैचेस आ जाता है और इसके वजह से आपका डीवीडी या सीडी राइटर का जो लेंस है वो भी खराब हो जाता है। किसी भी हाल में आप चलाते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपका सीडी प्ले होना बंद कर देता है और आपका खास सीडी करप्ट हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना ये करप्टेड सीडी से डेटा को निकालेंगे और इसको अलग से हम लोग बैकअप लेके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर में हम इसको कभी खो ना पाए। तो आज इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल जो होते हैं वो काफी अमाउंट चार्ज करते हैं डेटा रिकवर के लिए, लेकिन हम लोग उससे पहले अपने घर में ये ट्राई कर सकते हैं ताकि हमारा कुछ पैसा भी बच जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जो कि फ्री में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम लोग इसमें देखते हैं कैसे हम लोग इसको सीडी को डेटा को रिकवर करेंगे अपना मनपसंद वीडियो और ऑडियो जो भी आपके इस सीडी में डेटा पड़ा होगा। चलिए सबसे पहले हम अपना करप्टेड सीडी है हम इसको इंसर्ट करते हैं अपना सीडी रोम सीडी राइटर में। इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वो प्रॉपरली रन करता है कि नहीं। एक्चुअली ये सीडी फुल्ली स्क्रैच है, माने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पूरा क्लस्टर वगैरह उसका सिलेंडर वगैरह चौपट हो चुका है। तो उससे हमको किसी भी हाल में डेटा को रिकवर करना है, यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि विंडो मीडिया प्लेयर इसको नहीं कर सकता है। अब चलिए हम माय कंप्यूटर में चलते हैं। माय कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे ये वाले जो डिटेक्ट किया है CDFS फाइल है एक्चुअली, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं और इसके अंदर से जो MPEG ये वाला जो वीडियो फाइल है इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद VLC में खोलने का कोशिश करते हैं। देखिए इतना चलने के बाद ये पूरी तरह से रुक जाता है, चलता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये पूरा डेटा को हमको रिकवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर का नाम है ये वाला का नाम है सीडी रिकवरी free toolbox.exe। इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है, कर लेना है और ये फ्री है। बस इसको आपको डबल क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका सीडी जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका सीडी है। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से बोल रहा है आप इसको कहाँ रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से पाथ दिखा देते हैं कि जो भी फाइल हमारा रिकवर हो, यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं रिकवरी वाला। चलिए ये फोल्डर हम लोग बना लिया, हम चाह रहे हैं कि इसी में हमारा डेटा रिकवर होके आए। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अब पूछ रहा है कि कौन सा डेटा है। तो या तो आप सब डेटा यहाँ से रिकवर कर लीजिए या फिर सिर्फ ये वाला फाइल को आपको रिकवर करना है तो इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही वाला फाइल को पहले सेव करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में 731 MB का आसपास है डेट फाइल है, इसी को हमको फर्स्ट रिकवर करना है, उसके बाद प्ले करके देखना है कि ये चलता है कि नहीं। तो ये प्रोसेसिंग में कम से कम 10 मिनट का समय लग सकता है। तो इसके लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है हम फिर से आके इसी फाइल को खोलते हैं। अगर फिर भी नहीं खुलता है तो हम उसके आगे वाले स्टेप को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग 10 मिनट वेट कर लेते हैं, 10 मिनट या 7 मिनट जितना भी वक्त लगे वेट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक्चुअली हम लोग अपना दूसरा सिस्टम में आ चुके हैं। दूसरा सिस्टम में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। ये वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर है तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हम लोग रिकवर किए हैं ये वाला फोल्डर में हम रखे हैं, देखिए यही वाला फाइल हम लोग रिकवर किए थे और इसको हम लोग रन करेंगे। सबसे पहले प्ले वीडियो देखिए यहाँ जाने के बाद ये अटक जाता है या चलता नहीं है। तो इसको हम लोगों को करना क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या। लेकिन उससे पहले देखिए आपको
कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से जस्ट आपको लिखना है सीडी रिकवरी सॉफ्टवेयर फ्री। जैसे लिखिएगा आपको देखिए नीचे में मिल जाता है सीडी रिकवरी टूल बॉक्स फ्री, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या टूल बॉक्स जो मैंने जो भी आपको चाहिए या ऊपर वाला सबसे ले लीजिए। ये रहा देखिए recoverdisk.com, यहाँ पर इसे आपको इंस्टेंट डाउनलोड कर लेना है, यही वाला सॉफ्टवेयर है, इससे आप वो ये वाला चीज़ रिकवर करिए। अब नहीं चल रहा है, इसके लिए आप अपना जो भी विंडो मैंने वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यहाँ से आप उसको ले आइए और इसको फिर से देखिए ये वाला फाइल हम यहाँ रखे थे इसको हम ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पर ही रन करके देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लोग रन करते हैं। ये आ गया पूरा वीडियो, अब यहाँ से आप पारी पारी से रन कर लीजिए। थोड़ा हम साउंड को म्यूट कर दे रहे हैं, यहाँ से हम रन करते हैं। देखिए यहाँ रुकने के बाद ये चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप सेम रिकवर फाइल को, ठीक है, यहाँ पर ही पूरा चल रहा है। अभी देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाला एक्चुअली इसमें चल रहा है। तो यहाँ से आप आसानी से इसको फिर से रिकवर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना वीडियो मीडिया प्लेयर में। तो इस तरह से आप CorrupTech.dix से सबसे पहले अपना फाइल को रिकवर करिए। फाइल को रिकवर करने के बाद आप आराम से, अगर नहीं चलता है स्मूथली, तो आप उसको कर सकते हैं इस तरह से रिकवर, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करने के बाद ये फाइल को आप रख लीजिए जो भी नाम देना चाहते हैं। तो यही एक्चुअली वीडियो है, इस वीडियो को हो सकता है आपके लिए काम हो। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब भी सीडी आपका बहुत दिन तक नहीं चलता है तो वो करप्ट हो जाता है या स्क्रैच हो जाता है, आप लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारा स्क्रैचेज आता है सीडी को। आप अगर सही ढंग से नहीं रखिएगा तो काफ़ी दिनों के बाद वो सीडी चलना बंद हो जाता है, ठीक है, या प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या आपका लेंस खराब हो जाता है। बार बार ये करप्टेड सीडी को चलाते चलाते आपका लेंस खराब हो ही सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना सीडी को आप रिकवर कर सकते हैं। देखिए फाइनली हमारा सीडी अभी प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तमाम रिकवरी करने के बाद फर्स्ट टाइम इसको हम लोग रिकवर किए थे, उसके बाद वीडियो में इसको मिक्स करने के बाद इसको एसडी क्वालिटी में ऑलरेडी हम बना दिए हैं। एक्चुअली ये बहुत पहले का सीडी है, इसलिए ये वाला 4:3 का रेशियो से इसका जो स्क्रीनिंग था अभी ये 16:9 का स्क्रीनिंग में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अपना देखिए पूरा लास्ट तक हम जा रहे हैं, एक घंटा का ये सीडी था। तो इस तरह से आप पूरा रिकवर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को और फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो भूरा बिछड़ा जो भी याददाश्त जो सीडी में कैद है उस कैद से आज़ाद करके फिर से एक नया बैकअप बना लिया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।